हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। मित्रों, आप देख रहे हैं इस पौधे को, इसे चंपा प्लुमेरिया का पौधा कहते हैं। यह फूलों का पौधा है। देखिए इनके फूलों की बनावट और साथ ही साथ वाइट और येलो दोनों कलर इसमें मिला हुआ है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल। मित्रों, इसकी कलियां भी देखिए कितनी हेल्दी हैं। और अभी जैसे ये फूल है, देखिए अभी ये पूरा खुला नहीं है। अभी देखिए ये भी नहीं खुला है, ये भी नहीं खुला है। और जब ये खिलेगा तो देखिए कितने सुंदर सुंदर लगेंगे ये। मित्रों, इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। देखिए कितनी अच्छी ग्रीन पत्तियां हैं इसकी और कितनी लंबी लंबी पत्तियां हैं। मित्रों, आज के 4-5 महीने पहले इस पौधे को बंदरों ने तोड़ दिया था। कहने का मतलब मित्रों ये है कि इसमें दो ब्रांचेस थी। देखिए एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच और थी इसमें, उसको बंदरों ने तोड़ दिया था। तो मैंने क्या किया, उनको काट कर और दो पौधे, देखिए दो कटिंग लगाई थी, एक कटिंग ये लगाई और एक कटिंग ये लगाई। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। मित्रों, इसकी भीनी भीनी खुशबू हम सबके मन को भाव विभोर कर देती है। मित्रों, आज मैं आपको चंपा प्लुमेरिया पौधे की देखभाल के बारे में बताऊंगा। मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। मित्रों, चंपा के पौधे में एग्जैक्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट है ज़रूर मालूम होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट इसकी मालूम हो गई तो इसकी देखभाल में ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत आसान है इसकी देखभाल करना। पहला पॉइंट, वाटरिंग। मित्रों, इस पौधे में ओवर वाटरिंग ना करें और अंडर वाटरिंग भी ना करें। ओवर वाटरिंग का मतलब यह है कि इस पौधे में ज़्यादा पानी ना दें। जब भी पानी देते हैं, जड़ के पास की मिट्टी को देखिए हाथ लगा करके देख लीजिए, अगर मॉइस्ट है तो पानी की ज़रूरत इसमें नहीं है, अगर सूखी है तो इसमें पानी देना है। लेकिन ऐसा भी ना करें कि पानी की ज़रूरत है और आपने 2-4 दिन पानी दिया ही नहीं, तो इससे पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और ज़्यादा पानी दे दिया तो पौधे की जड़ सड़ जाएगी। मित्रों, 15 दिन में एक बार पौधे की गुड़ाई जरूर करना चाहिए। देखिए ये पहले के फूल हैं जो गिरे हुए हैं, सूखे हुए, इनको हटा देते हैं। और गुड़ाई जब भी करते हैं ध्यान रखना है कि जड़ से दूर गुड़ाई करें, जड़ या इसके से डिस्टर्ब ना हो। और अगर कोई खरपतवार जमा है तो उसे भी निकाल दें। इस बात का मित्रों हमेशा ध्यान रखें। मित्रों, आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा या आ रहा होगा कि इसका फ्लावरिंग का समय कब से कब तक है। तो मित्रों, इसका फ्लावरिंग का समय फरवरी मार्च से लेकर के अगस्त सितंबर तक हर वर्ष होता है और इस समय में फ्लावरिंग होती है। मित्रों, हफ्ते में 2 बार, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, ज़रूर शावरिंग करें। इसमें शावरिंग इसलिए किया जाता है मित्रों कि अगर पत्ते में कोई मिट्टी लगी हुई है या कोई कीड़ा लगा हुआ है तो वो साफ़ हो जाता है। और हाथ से ऐसे ऐसे करके रगड़ भी देना है तो पत्ती साफ़ हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और अगर कोई धूल मिट्टी लगी हुई है वो निकल जाएगी, साथ ही साथ अगर कोई कीड़ा लगा हुआ है तो वो भी निकल जाएगा। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। मित्रों, और ये कार्रवाई सवेरे सूर्योदय से पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है। मित्रों, चंपा के पौधे को कम से कम 5 घंटे की धूप प्रतिदिन चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट इसे पसंद नहीं है। हाँ, ज़्यादा धूप की स्थिति में इसे ग्रीन नेट के नीचे जरूर रखें। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। मित्रों, चंपा के पौधे में अगर कभी कीटाणु लगते हैं तब इसके लिए विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे पौधे को पहले टेढ़ा करके, ऐसे टेढ़ा करके मित्रों इसको धुलना है।
कि अगर कोई कीटाणु इसके ऊपर लगा हुआ है तो वह जड़ में ना गिरे, और जब धुल लिया इसको अच्छी तरीके से सीधा कर दें। और सीधा करने के बाद मित्रों इसमें हल्दी के घोल का स्प्रे इसमें करें, और उसके तुरंत बाद इसमें काउडंग केक की राख का छिड़काव कर दें। मित्रों आप एक लीटर पानी में 20 नीम की हरी पत्ती उबालकर टेम्परेचर नॉर्मल होने पर पूरे पौधे में आप छिड़काव करें, यानी स्प्रे करें। ये जो मैंने अभी आपको नीम की पत्ती का बताया है या हल्दी का बताया है, ये हफ्ते में दो बार करना है। चाहे आप हल्दी वाला कर लीजिए, चाहे आप नीम की पत्ती वाला कर लीजिए, हफ्ते में दो बार आपने करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। मित्रों यह कार्रवाई जब भी करें सूर्यास्त के बाद करें। मित्रों होममेड इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप देखकर अपने पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो इसको लकड़ी का सपोर्ट दे करके बांधना भी है रस्सी से। ऐसा इसलिए कि अगर ये अच्छा सपोर्ट इसको मिल जाएगा पौधे को तो ये पौधा नीचे की तरफ गिरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जहाँ तक इस पौधे में फर्टिलाइज़र डालने का सवाल है तो बहुत सोच समझ कर डालना है, और हैवी फूडर प्लांट होने की वजह से इसमें फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा डालना है और समय समय पर डालना है। देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ है पौधे की, और फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग है इसमें, और देखिए पत्तियाँ कितनी हेल्दी हैं। और अगर जो है हम समय समय पर इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे मित्रों तो पौधे की ग्रोथ हमेशा अच्छी होगी। तो जब हम गुड़ाई करते हैं तो उस समय पर 15 दिन पर जब हम गुड़ाई करते हैं तो देखिए गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट या देखिए नीम की पत्ती या किचन वेस्ट कंपोस्ट या सूखी पत्ती, जो भी अवेलेबल हो आपके पास। इतने बड़े पौधे के लिए देखिए 1.5 मुट्ठा, ये मान के चलिए 150 ग्राम ऐसे डालिए। तो गोबर की खाद में डाल रहा हूँ, 150 ग्राम ऐसे डाल दीजिए। और मिट्टी में गुड़ाई के बाद मैंने बताया था आपको, ऐसे मिट्टी में मिला दीजिए और अगले दिन सुबह पानी दे दीजिए। मित्रों इस पौधे की एक खासियत और भी है कि आप इसके नीचे छोटे पौधों को रख सकते हैं और उनको धूप से बचा सकते हैं। मित्रों इस पौधे में महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। यह फर्टिलाइज़र कोई भी हो, चाहे काउडंग केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र या बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र या कोई और भी हो, ज़रूर दें। मित्रों देखिए काउडंग केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है, और ये साथ ही साथ फर्टिलाइज़र के साथ साथ ये कीटनाशक भी है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। पत्तियों के साथ साथ मित्रों इसको जड़ में भी डालना है, जड़ में भी डाल दीजिए। जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ध्यान रहे सूर्यास्त के बाद ही डालना है। मित्रों जब भी आप चंपा की कटिंग लगाते हैं तो स्प्रिंग सीज़न में या मानसून के सीज़न में लगाइए, और अभी तो मानसून का सीज़न चल रहा है, कटिंग सक्सेस होती है यानी कटिंग लग जाती है। और इसके लिए मिट्टी का कंपोजिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसमें एक भाग मिट्टी का होना चाहिए, सूखी मिट्टी होनी चाहिए धूप में सूखी हुई, और एक भाग सैंड रेत होना चाहिए इसमें, और एक भाग वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। मित्रों मैंने इसमें गोबर की खाद लिया हुआ है, और इसमें 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी टर्मरिक का लेना है और सबको एक साथ मिलाना है। और मिला करके देखिए मैंने पहले से ही इसकी मिट्टी बना रखी है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। मित्रों तो कोई भी कटिंग आप लगाएंगे या नर्सरी से पौधा लाकर लगाते हैं तो सक्सेस हो जाएगी, इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि जिस पॉट में लगाते हैं, या जैसे देखिए मैंने पॉलीथीन में लगाया हुआ है तो पक्की बात देखिए इसमें छेद मैंने पॉलीथीन में किया हुआ है, इससे एक्सेस वाटर बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ हवा का आवागमन भी अच्छी तरह से होता है। समय समय पर यह भी ध्यान रखना है कि अगर कोई पत्ती सड़ रही है या सूखे फूल हैं या कोई स्टम सड़ रही है
तो उसको समय समय पर निकालते रहना चाहिए, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, जब ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो उस समय जो पौधे खुले में हैं उनमें मल्चिंग की कार्रवाई ज़रूर करनी है। मल्चिंग का मतलब पौधे की जड़ या टॉप सॉइल, ऊपरी मिट्टी जो कि धूप एवं गर्मी की वजह से जलती है या झुलस जाती है, को सूखी घास या पत्ती या धान के भूसे से ढक देना चाहिए। इससे पौधे पर ज़्यादा धूप और ज़्यादा पानी का असर नहीं पड़ता और पौधे में भरपूर फ्लावरिंग होती है। मित्रों, देखिए ये हमारे पास सूखी पत्ती है और अभी मानसून का भी सीज़न चल रहा है, तो जो पानी की बूंदें होती हैं, भारी बारिश जब होती है तो उसका भी असर पौधे की जड़ में नहीं पड़ता है। जड़ के चारों तरफ लगा दीजिए मिट्टी के ऊपर, इससे जड़ सुरक्षित रहेगी, धूप का असर भी इसके ऊपर नहीं रहेगा और भारी बारिश का भी असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, पौधा सुरक्षित रहेगा। मल्चिंग की कार्रवाई पूरी हुई मित्रों, अभी आपने देखा कि चंपा के पौधे की देखभाल कैसे की जाती है। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।